बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में मंद बुद्धि युवती हत्याकांड का पुलिस ने आज किया है खुलासा। बता दें कि विगत रविवार को सुबह रानीपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 30 वर्षीय युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। ACP कृष्णा नगर विनय कुमार द्विवेदी के दिशा निर्देशन में सरोजनी नगर कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र गिर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल से बरामद एक कड़ा से कड़ी जोड़ते हुए हत्यारे को किया गिरफ्तार। सरोजनी नगर थाना पुलिस एवं DCP साउथ क्राइम टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता मिली है। DCP साउथ तेज स्वरूप सिंह ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि विगत शनिवार की रात घर से बाहर श्रवण के मकान के सामने बैठी तुलसीराम लोधी की 30 वर्षीय मंदबुद्धि पुत्री सीमा लोधी को गांव का युवक सार्थक रावत उर्फ सनी पुत्र विजय रावत ने शराब के नशे में बहला फुसला कर अपने चाचा बसंत की भूसे की कोठरी में ले जाकर रेप करने का प्रयास किया था। मंदबुद्धि युवती सीमा लोधी के विरोध करने एवं शोर मचाने पर पकड़े जाने के भय से हत्यारे ने पहले उसके सिर पर अपने हाथ में पहने कड़ा से वार किया, फिर भूसे की कोठरी में पड़े डंडे से उसे मारने के बाद ईंट से उसका सिर खींचकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटनास्थल से बरामद खून से सने कड़ा से कड़ी जोड़कर पुलिस ने हत्यारे युवक को आज गिरफ्तार किया है। DCP तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि युवती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हुआ था उसका खुलासा कर रहे हैं, क्या है सर पूरा प्रकरण? से दिनांक 14/7/2024 को रानीपुर ग्राम में थाना सरोजनी नगर के अंतर्गत आता है, एक प्रातःकाल एक विक्षिप्त महिला जो थी 30 वर्षीय थी, उसका शव पाया गया था गड्ढे पर। इसमें परिजनों की सूचना के आधार पर तत्काल थाना सरोजनी नगर में सुसंगत धाराओं 103 BNS में पंजीकृत किया गया था तथा तत्परता से इसमें फोरेंसिक टीम, FSL की टीम और हमारी जो सर्विलांस की टीम है उसको बुला करके सब पूरा चीज दिखवाया गया। साथ ही टीमों को लगाया गया कुछ डिजिटल साक्ष, कुछ मैनुअल। इसको करने के बाद जो केस वर्कआउट हुआ उसमें एक व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है जिसका नाम सार्थक उस सनी रावत है, सनाब विजय रावत निवासी रानीपुर, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, ये प्रकाश में आया। इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पर उस अभियुक्त सनी ने अपना जुर्म इकबाल करते हुए मृतका की हत्या करना उसने जुर्म कबूल किया। और इसमें घटना का क्रम ये था कि ये नशेबाज आदमी है, शराब पीने का आदी है, ये अपने दोस्तों के साथ शराब पी करके रात में देर रात लौटा था उस दिन, और एक साथी इसका और था मोहित, वो अपने रास्ते अपने घर चला गया, ये अपने घर की तरफ चला गया। तो जहाँ इसका घर है उससे थोड़ा पहले ही एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर ये महिला मिली थी, इसको ये बहाने से फुसला करके इसको भूसे की कोठरी में ले गया और वहाँ पर इसके साथ उसके साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया। वो चिल्लाई तो इसने ईंट और लकड़ी के जो टुकड़े वहाँ पड़े हुए थे पट्टी उससे उसके पीट करके उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद इस अभियुक्त ने डेड बॉडी को वहाँ से उठा करके इस आशय से फेंक दिया गड्ढे में पानी पर कि ये साबित हो जाए कि ये डूब करके मरी है, और इसके बाद अपने घर चला गया। चूँकि इसके उसमें उनके छींटे पड़े हुए थे, इसकी जो टी शर्ट उस समय पहने हुए था, तो टी शर्ट को घर में जा करके अंदर उसको जला दिया इसने। ये इतना कम उम्र का है लेकिन ये बहुत ही सातिर अभियुक्त है, और इसके सातिराना उसको देखते हुए और इसको कायदे से इसको टैकल किया गया, तब इसने अपना जुर्म स्वीकार किया और इसको इस अभियुक्त को सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसने और कोई घटनाएं अगर की है तो उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, क्योंकि उम्र ही 20 वर्ष है और इसको और जगहों से देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक देखा पाई भी कहीं नहीं है। सर खुलासा करने की टीम को क्या इनाम घोषित कर रहे हैं? खुलासा करने वाली, चूँकि ये अननोन मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर था, बड़ा टिपिकल था और किसी प्रकार का कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था, परिजनों ने भी किसी प्रकार की कोई रंजिश या इस तरह की बात नहीं बताई थी, इसलिए बहुत ही टिपिकल काम था। तो इस टिपिकल वर्क को बहुत ही अल्प समय में इसको वर्कआउट किया है, इसलिए मेरी तरफ से 25,000 का इनाम
इस टीम को दिया गया।